पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जब प्रताप नगर दौरे पर जा रहे थे तो डोबरा चाठी पुल से गुजरते समय वे रुक गए और वाहन से उतरकर पुल को निहारने लगे। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी प्रसन्न दिखे। उन्होंने पुल को लेकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि डोबरा चाठी प्रताप नगर टिहरी वासियों के लिए लाइफ लाइन है। टिहरी बांध और झील बनने से प्रताप नगर का सारा क्षेत्र एक तरह से अलग थलग पड़ गया था। प्रताप नगर के लोगों को टिहरी आने के लिए 60 किलोमीटर से अधिक का चक्कर काटना पड़ता था। इससे माल ढुलाई, आवश्यक रोजमर्रा सामान की आपूर्ति भी महंगी और कठिन होती थी। ये पीड़ा लगभग 15 वर्षों तक प्रताप नगर क्षेत्र के लोगों ने झेली। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आरंभ से ही इस समस्या के प्रति संवेदनशील रहे। वो देखते थे कि इस पुल के लिए बड़ी राशि स्वीकृत न करने से बार बार तकनीकी समस्याएं आ रही थी, प्रोजेक्ट भी महंगा होता जा रहा था। इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इसकी गहन जांच कर इसके लिए 188 करोड़ की राशि स्वीकृत की और इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा। इसलिए ये प्रोजेक्ट समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा हुआ। इस समय हम टिहरी की लाइफ लाइन कहे जाने वाले डोबरा चांटी पुल पर खड़े हैं और ये एक ऐतिहासिक दृष्टि से ये जो ब्रिज है ये बहुत ही अपना महत्व रखता है, क्योंकि जब टिहरी बांध बना तो उसके बाद कोई भी इस तरह की सुविधा प्रताप नगर और लमगांव और आगे जो उत्तरकाशी का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर हैवी व्हीकल्स के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं रह गई थी। और इस पुल के बन जाने से हज़ारों लोगों को आज फ़ायदा हुआ है, विशेषकर जो लोग विस्थापन के बाद जो प्रताप नगर क्षेत्र में रह गए थे वो विस्थापन की पीड़ा को झेल रहे थे। और मुझे सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री के नाते और एक साथ इसके लिए 88 करोड़ रुपए एक मुश्त दे करके ये पुल आज जनता की सेवा कर रहा है। और मुझे बेहद खुशी होती है जब भी प्रताप नगर क्षेत्र में आता हूँ, यहाँ के लोग मुझसे मिलते हैं तो वो ज़रूर इस पुल की महत्ता और ये कैसे निर्माण हुआ प्रसन्न होते हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आज टिहरी वासियों के साथ देश दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनते देख त्रिवेंद्र सिंह रावत को संतोष और प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। वहीं आज प्रताप नगर क्षेत्र के सभी निवासी खुले दिल से त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ और धन्यवाद करते नहीं थकते।